जंतर मंतर पर हुए हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीश मुखी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मुखी साहब, बहुत दुखद हादसा हुआ और एक अजीब सी जो बात आई सामने कि सारे नेता भाषण देते रहे और किसान मरता रहा। मुझे खेद है इस बात का कि एक किसान ने आत्महत्या की और ये कहकर के आत्महत्या की कि मेरी फसलें सारी बर्बाद हुई हैं और मुझे घर से निकाल दिया गया है और ये कहकर आत्महत्या की मुझे केजरीवाल से मुलाकात कर दीजिएगा नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उस सब के बावजूद केजरीवाल साहब को आम आदमी पार्टी के वर्कर ने मिलाया नहीं। वो कहते हैं हम आम आदमी की पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी हैं, ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया। मुझे खेद है इस बात का कि उस किसान की जान बचाई जा सकती थी, वो कदम नहीं उठाया गया। और उससे भी जो ज़्यादा खेद है वो इस बात पर है, जब किसान ने आत्महत्या कर ली, उनकी मौत हो गई, उसके बाद भी 70 मिनट तक केजरीवाल भाषण देते रहे, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि मैं किसान को मिलने के लिए जाऊं, जबकि वो कहते रहे मंच पर मैं इसके बाद हॉस्पिटल जाऊंगा मिलने। भाई, जब आपको पता लग गया है उसकी मौत यहीं पर हो गई है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है ही वॉज ब्रॉट डेड, उसके बाद 70 मिनट आप भाषण कर रहे हैं, नॉन सेंसिटिविटी जो उनके अंदर नज़र आई है, कहीं ये नहीं झलकता कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसका मुझे बहुत खेद है। मुखी साहब, सवाल यही उठ रहा है कि राजनीति ज़रूरी थी या उस व्यक्ति की जान बचाना जरूरी था, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखती है। ऊपर उठ करके जान बचाना पहली प्रायोरिटी थी, मैंने स्ट्रेट अवे बात की है कि उन्होंने नॉन सेंसिटिविटी हो करके और अपनी राजनीति कंटिन्यू की। मैं समझता हूँ राजनीति में ज़िंदगी भर आपने भाषण करने हैं, बहुत मौके मिलेंगे, ऐसे मौके पर उनको सीधा सीधा अपनी रैली कैंसिल करके किसान की गाड़ी के अंदर बैठ करके तुरंत साथ जाना चाहिए था। 70 मिनट तक वेट करने का मतलब ये कि आपने किसान की आत्महत्या को लेकर के भी पूरी पूरी राजनीति करने की कोशिश की है। मुखी साहब, हादसे के बाद इस पर तो हैरानी होती है कि किसी कार्यकर्ता ने, नेता ने बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हादसे के बाद गोपाल राय जो बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि इस घटना के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। मैं वही कह रहा हूँ कि आज भी उनको ये सूझ रहा है राजनीति करने की बात, समझिए एक किसान ने आत्महत्या की है, आपकी रैली में आकर की है, किसान रैली के अंदर की है, आप इसे पुलिस पर थोप रहे हैं, आपके सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े हुए थे, दांत फाड़ करके देख रहे थे, उनको नज़र नहीं आ रहा था, क्यों नहीं उन्होंने उतारा? पुलिस तो बात की बात है ना, आप खड़े हुए ऊपर चढ़ रहा था, क्यों नहीं उठे? वो कह के ऊपर चढ़ा है मुझे मिलाइएगा नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा, उनके कार्यकर्ताओं बीच में निकल करके वो पेट पे चढ़ना शुरू किया है। उस समय ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं उनको पकड़ा, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उसकी बात मानी, कैसे जिम्मेवार नहीं है? वो पूरी तरह से मैं समझता हूँ जिम्मेवार हैं, पूरी पार्टी जिम्मेवार है, कार्यकर्ता जिम्मेवार है, और केजरीवाल साहब को जिम्मेवार मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं ठहराता उसकी मौत के लिए। जिस प्रकार का उन्होंने बिहेव किया है उसके लिए बहुत खेद है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते से उनको सबसे पहले पता था कि उनकी डेथ हो गई है गिरने पर, उसके बावजूद 70 मिनट तक भाषण देते रहे, ये पराकाष्ठा है जिस ढंग के उन्होंने बिहेव किया है। एक तरफ अपने आप को आम आदमी का एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ किसान की मौत के साथ इस प्रकार का एक व्यवहार उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जगदीश मुखी जी का ये कहना है कि किसान मरता रहा और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भाषण देते रहे, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। साथ ही साथ उन्होंने भी सवाल उठाया कि उस किसान की जान बचाई जा सकती थी लेकिन रैली में मौजूद किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, और साथ ही साथ जगदीश मुखी का ये कहना है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के बीच जिस तरह दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बताया जा रहा है, ये बयान भी हैरान करता है। राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज़, दिल्ली।